हेलो दोस्तों, नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? अच्छे होंगे। मिथिला ब्लॉग संगीता का चैनल है, आप लोग देखा कीजिए। आज जा रहे हूँ रेसिपी बनाने के लिए। लौकी का कोफ्ता का सब्जी बनाने जा रही हूँ। आप सब देख सकते हैं कितना छोटा लौकी लिए हुए हैं, और आदि और लहसुन हरा मिर्च के पेस्ट बना लेती हूँ। ये चीज़ों सुन के पीस लेती हूँ अच्छे से, मिहिक से पीसना है। लौकी का कोफ्ता वाला सब्जी बहुत अच्छा टेस्टी बनता है, आप लोग भी ज़रूर बनाइएगा। प्लीज़ आप लोग चैनल देखा कीजिए। चैनल देख के छोड़ देते हैं, मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, कितना मेहनत लगता है, आप लोग देखते नहीं हैं। आप लोग देखा कीजिए प्लीज़, सपोर्ट कीजिए हमको भी। इसको दरदरा पीस ली हूँ, निकाल लिया है। इसको कद्दूकस करने वाला पर कद्दूकस कर रहे हूँ। ये लौकी के कद्दूकस करके अच्छे से, आप सब देख सकते हैं कितना अच्छे से कद्दूकस कर लिए हैं। बहुत स्मूथ वाला खिज्जा वाला कद्दू लिए थे। आप लोग इतने में बनाइएगा, ज़्यादा मोटा वाला में मत बनाइएगा, उतना अच्छा नहीं बन पाता है। जितना छोटा वाला में टेस्ट आता है उतना ही है, बड़ा वाला में नहीं आता है उतना। देखिए कितना अच्छा से घस चुका, ताजा कद्दू था। कितना अच्छे से घसा गए हैं आप सब देख सकते हैं। इसको पानी जो है हाथ से मचोड़ देते हैं, पानी कद्दू में बहुत निकलता है। आप सब देख सकते हैं कितना पानी उसमें से कद्दू में से निकलता है। निकलते हैं, देखिए कितना पानी। इसी तरह सारे को निचोड़ लिए हैं। अब इसमें चलते हैं, जो जो मसाला लिए गैस के कर दिए हैं और कढ़ाई गरम होने के लिए रख दिए। इसमें जो जो सामग्री डालेंगे वो सब दिखा देते हैं आप लोग के। इसमें हम डाल रही हूँ चावल के आटा डाल दे रहे हैं। इसमें डालेंगे अब मसाला। मसाला में लिए हैं हल्दी पाउडर लिए हैं, और गरम मसाले लिए हैं, और धनिया पाउडर भी लिए हैं, और नमक भी लिए हैं, और इसमें जीरा पाउडर ले रही हूँ। ये चीज़ें सुन के अच्छे से, जब नमक दे देते हैं तो और पानी छूटने लगी। इसमें दिए थे मिर्ची पाउडर, इसमें आधी लहसुन का जो पेस्ट रखे थे वो डाल दिए हैं। ये चीज़ें सुन के अच्छे से मिला लेते हैं। मिलाने के बाद इसको अच्छे से, इसमें से थोड़ा पानी नहीं गाड़िएगा तो पानी छूटने लगेगा। हम देख सकते हैं हम पानी गार के बनाए रहे हैं, तो इसमें से पानी बिल्कुल नहीं छूटेगा। पानी नहीं गाड़िएगा तो उसमें से पानी ज़रूर छूटेगा। कढ़ाई गर्म हो चुका है, इसमें डाल दे रही हूँ तेल।
तेल भी गरम हो रहा है, गरम हो चुका है। इसमें टिकिया टाइप के बना बना के इसमें दे रही हूँ, बहुत टेस्टी बनता है। इसी तरह आप लोग भी बनाइएगा ज़रूर। आप लोग वीडियो के एंड तक देखते रहिए, पूरा वीडियो देखिए प्लीज़। इसी तरह आप सब देख सकते हैं कितना अच्छा से बन रहा है। बेसन के भी बेसन में भी बनता है, हम बेसन में नहीं बना रहे हैं, चावल के आटा में बनाते हैं। बेसन वाला भी बना के दिखाएंगे, आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कुछ भी नहीं लिखते हैं कमेंट में। देखिए इसको पलट दिए हैं, देखिए कितना लाल हो चुका है। चीज़ों पूरा के काल लिए हैं, फिर दूसरा बेर देंगे। अब इसमें डाल रही हूँ तेजपत्र और हरा मिर्च, इसमें डाल दे रही हूँ जीरा, जीरा दे रही हूँ, चटक चुका है। अब इसमें डालेंगे प्याज, जो कटे हुए रखे थे वो प्याज डाल दे रही हूँ। अच्छे से चला दिए हैं। अब इसी मसाले के घोल बना लेते हैं। हल्दी पाउडर दे दिए हैं, धनिया पाउडर है, जो मिर्ची पाउडर उधर रखे थे इसीलिए नहीं दिखा रहे हैं, इसमें मिर्ची पाउडर भी दे रही हूँ। अब लहसुन आदि के पेस्ट जो बना के रखे थे वो डाल दिए हैं। वो डालने के बाद अब डाल रही हूँ जो मसाला घोल बना के रखे थे वो डाल दे रही हूँ। अच्छे से चला देते हैं। इसमें नमक दे रही हूँ, नमक आप लोग स्वाद के अनुसार दीजिएगा। क्यों इस कचरी जो बनाए थे पकौड़ा पोपता लौकी का पकौड़ा वाला, वो कोफ्ता में दिए थे नमक, आप लोग अपना हिसाब से दीजिएगा। चलो देखिए चला दिए हैं, इसमें डाल दे रही हूँ पानी। थोड़ा ही से उसको पानी देंगे क्योंकि लौकी को जो पकौड़ा है उसी तेल में पक चुका था, इसीलिए थोड़ा ही सा दिए। देखिए अब खदक चुका है, इसमें डाल दिए पकौड़ा और जो पोपता था वो डालने के बाद चला देते हैं। देखिए उबाल आ चुका है, इसमें डाल दे रहे हैं गरम मसाला। गरम मसाला डालने के बाद इसमें डालेंगे धनिया पत्ता, धनिया पत्ता डाल चुके हूँ। गैस के कर देंगे बंद। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।